भाई राय सर टूर्नामेंट में अपनी टीम बढ़िया मैच लगा और क्वार्टर फाइनल में लूज रही, यूपी शास्त्री टीम जीती। बढ़िया मैच लगा और कमेटी के भाई बैठे हुए हैं, दिल साथ भाई बैठे हुए हैं, कमेंट्रेटर और भाई स्टार प्लेयर भी हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, बढ़िया। तो भाई मिले आज, बड़ी खुशी हुई दिल साथ भाई। और जो सिस्टम है ना अरेंजमेंट है टूर्नामेंट का, बहुत ही अच्छा लगा हमें। खाने पीने की व्यवस्था एक नंबर की, सभी सिस्टम बढ़िया, और नेट 5 लगा रखे थे। देखो समय से फाइनल भी हो रहा है ना, फाइनल भी होगा राइट। प्रेम भाई वो जो आपकी साइड टूर्नामेंट होते हैं ना, दिल्ली साइड या आप तो और भी कहीं जाते हो, राजस्थान हरियाणा तकरीबन ऑल इंडिया में आप वॉलीबॉल खेलते हो, पंजाब के टूर्नामेंट में व्यवस्था का क्या वो आपको डिफरेंस लगता है पंजाब का और बाकी जो अदर? देखो व्यवस्था सभी बढ़िया है, पंजाब हरियाणा से राजस्थान से अच्छी है। खाने पीने की व्यवस्था लेके बैठने की चेयर वेयर से, हाँ जी एक, और बाकी नेट भी काफ़ी लगा देते हैं बड़े टूर्नामेंटों को, ठीक है। उससे क्या है कि समय से संपन्न हो जाता फाइनल, ठीक है। और बाकी जो ये हमारी टीम एरिया की टीम है एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर की, वो क्या है वहाँ पे गेम चलता है, पट्टी टोचन नहीं होता, ये सभी को पता है ना भी, उसलिए थोड़ा कम आती है इन टूर्नामेंट, उस वही एक वजह जहाँ तक मेरा सोच है ना। हाँ वो थोड़ा सा कॉमन हो जाए ना, या तो टोचन सभी जगह अलाउ हो जाए ऑल इंडिया में, ताकि टीमों को समस्या ना हो, क्योंकि प्रैक्टिस भी उसी की कर रहे हैं हम, और फिर दूसरे टूर्नामेंट में जा रहे हैं टोचन मिल रहा है हमें, है ना। तो ये समस्या है। एक दूसरी समस्या मेरे को ये लगी पंजाब की तरफ, हमारे जो नेट होते हैं ना, नेट चौड़ी पट्टी वाले होते हैं, ये जो नेट लगा रखे हैं आपने, बिट्टू के हुए या सागर के हुए, चौड़ी पट्टी और यहाँ पे तार बंधा होता है, उससे नेटमैन को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है उठाने में ना भाई। और ये थोड़ी सी है, बाकी ये चीज़ें सेम हो जाएंगी सभी जगह, तो इस गेम का क्रेज़ भी बढ़ेगा भाई, और हमें बहुत अच्छा लगता है पंजाब में आना, और सम्मान बहुत बढ़िया करते हैं, और सभी व्यवस्थाएँ अच्छी होती हैं भाई। तो हमारी तो यही कोशिश है, और सभी की कोशिश रहनी चाहिए कि इस गेम को बढ़ावा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। आप भी, हाँ दिलसाद भाई, आप भी कभी टूर्नामेंट में, अच्छा टूर्नामेंट हो हरियाणा, तो आप भी आओ भाई। हम वहाँ तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा बोलने की दिक्कत हो जाती है प्रेम भाई। हिंदी हिंदी तो हमारी सिर्फ 1-2 मिनट का टाइम होता है बस, उसके बाद हिंदी ख़त्म हो गई। नहीं कोई नहीं, वो वहाँ पे चल रहा है, मतलब कुछ टूर्नामेंटों में कमेंट्रेटर भी आए हैं आपके, तो पसंद कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ जाएगा वहाँ पे भी, हो जाएगा कमेंट्री का भी ना, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। सारी बातें बताई जाती हैं, आप भी सारा मतलब स्कोर भी, टीमों की, खिलाड़ियों की सम्मान कराते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, एक माहौल का बन जाता है। हाँ माहौल बिल्कुल, चलो ठीक है भाई, आपका भाई साहब राम राम भाई, आगे मिलते रहेंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोशिश करेंगे आने की। ओके ओ सिरा ओए मुंडा यार, बहुत बढ़िया जरा एक ताड़ी मारो जरा ना, यार आशु कितना सोना पी वाला खेडी होंदे जित हार, ओए माचल ने थोड़ा फेरता छोटू ते, हां इधर पानी की करी जाने हो, हां ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਹਾਂ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। मुंडा पिस्टा की लाइन के चने वाली है कोई शक नहीं, एन कहते डिग डिग पाला मुड़ी आंदा है, जे जहार चने वाली है मुठ्ठी पर शरीर है, पर खेड़ बड़ी सोहनी है मुंडे की। एक ही गल भी बूटे भाई जी, पढ़िया लिखिया भी बहुत पेपरां दी तैयारी करदे भी, लो जी मेरे यूपी फर्स्ट सेकंड नजमगढ़ बोले सोनिहा श्री अकाल, लो जी आज दे मेले दे जेडे वेस्ट प्लेयर है, वेस्ट जेड़ा डिफेंसर रहा है ਬੈਸਟ ਨੈਟਮੈਨ ਜਿਹੜਾ 80% ਬੈਸਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
पूरा यूपी पूरा यूपी मार दो बेस्ट जड़े एक्टर नवजगढ़ ते शास्त्री जी ये आज दे मेले दे ज्वाइंट बेस्ट है सेकंड प्राइज नजबगढ़ दी टीम आ देखियो वीरे सामने ओके जी स्वर्गवासी गुरबख्श सिंह नाल हो जा कर ला उनां दे परिवार वालों जेड़ा सेकंड प्राइज दित्ता गया बहुत बड़ा धन्यवाद है स्वर्गवासी सरदार गुरबख्श सिंह जी उनां दे परिवार वालों जेड़ा सेकंड प्राइज दित्ता गया अज दे इस वड्डे टूर्नामेंट दा जी दिलो दवावां ने आओ जी सेकंड टीम नजबगढ़ आओ मेरा वीर पहले प्राइज दित्ते गए बहुत बड़ा धन्यवाद है ये भाई जसविंदर पिरक भला यूपी वाले मुंडा ने कहने कमाल की शेरू ढाबा मेरे मित्र और मेला जेड़ा सफल है मेला सफल है और मैच बहुत टॉप दे लगे बोलो धन्यवाद है दिलो दवावां हाँ जी राम राम सभी को हैप्पी होली हैप्पी धूलैंडी और हमारे सभी प्लेयर हैं यहाँ पे मौजूद अपना परिवार अंकल जी हमारे और सभी गुलाल लगा रहे हैं और भी डांस वगैरह और फिर अब ग्राउंड में जाएंगे ये हमारे बड़े भाई साहब हैं मंत्री जी दाहिर भाई साहब हैं सभी हैं ये भतीजे हैं प्यारे और अंकल जी आ जाओ रे का दानवीर भाई साहब हैं हमारे स्टार प्लेयर भाई और अंकल जी आ जाओ इधर हटी दिखा इधर ये अंकल जी हमारे बहुत पुराने प्लेयर और हमें समझाते रहते हैं अच्छा खेलते हैं और साहस बढ़ता है हमारा सभी प्लेयरों का और आज हार जीत तो भाई होती रहती है लेकिन अपना साहस से खेलते हैं समझाते कह रहा हूं धमकाते रहते हैं और धमकाना भी चाहिए क्या बिल्कुल जी अगर धमकाओगे ना तो मतलब बिगड़ जाएंगे बच्चे और ये हमारे बड़े भाई साहब है वेद प्रकाश भाई बहुत नाम कमाया भाई ने भी रेवाड़ी में जब 2013 में 14 15 16 में नाम कमाया बढ़िया हाँ बिल्कुल भाई और कैमरामैन भाटी के साथ हम मौजूद हैं इंद्री गांव में और हैप्पी होली भाटी और ले शेर लव पार्टी शेर हैप्पी होली अब ग्राउंड में मिलेंगे भाई मैच लगेंगे और भी प्लेयर मिलेंगे और होली मनाएंगे धूमधाम से डांस वांस भी देखोगे आप भाटी का मेरा नहीं भाटी का चलते ले भाभी ते होली खेलो भाभी ते ये हमारे जगत सिंह ले कैच कर कैच द मैच लो भाई जगत सिंह स्टार प्लेयर हमारे एंट्री के सभी प्लेयर मिलेंगे और भी ग्राउंड पे चल रहे हैं भाई अब सारे ही खेलेंगे मैच लगाएंगे ठीक है दयानंद हाँ भाई सारे खिलाड़ी आ चुके हैं और हैप्पी धुलैंडी भाई सभी प्लेयरों को हैप्पी धुलैंडी हैप्पी होली ग्राउंड में भाई मनाई जा रही है ये देखो भाई सभी मिल रहे हैं होली सम्मेलन हो रहा है दानवीर मुख्तारे महेश मोरे वेद प्रकाश जॉन्टी गब्बर सिंह सभी साइकिल जित्तू बुरा कुणाल सारे प्लेयर भाई वाह 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 लड़ा बनियो ब्लॉग बन रहा बन गो साइकिल परी कहो के दिखाई साइकिल मेरा भतीजो है बंद कर दूं फोटो खींच दे।
इस वीडियो में बात करना चाहूंगा रायसर टूर्नामेंट के बारे में और एक और बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है इस वीकेंड पे, तो उस टूर्नामेंट के बारे में मैं बात करूंगा।